गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष जोड़ी, केमिस्ट्री फैकल्टी सीएलसी। मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज अपन बात करने वाले हैं एयर फ्लोग, हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बिल्कुल सर। आजकल सर जेई मेन के अंदर एनवायरमेंटल का तो बहुत ज्यादा रोल कर दिया गया। जी सर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, बायोमोलिक्यूल है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। हाइड्रोजन से तो फिर भी हाल ही एक दो साल में पुट अप करना शुरू किया, लेकिन वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बात करें सर, जिंक ऑन रिएक्शन विद NaOH गिव ए सॉल्ट ए अलोंग विद ए गैस X। एक सॉल्ट पहले ए देता है, उसके बाद में गैस X देता है, एंड ए ऑन रिएक्ट विद ए गैस Y, ए वापस रिएक्शन करता है किससे? Y से, कि वाइट पीपीटी। क्या देता है? वाइट पीपीटी किसकी? W की देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है? कौन सा सही है, बात करें सर। बिल्कुल, जिंक की रिएक्शन सबसे पहले आप बेस के साथ करवा दो, तो आपको पता ही है एम्पोटेरिक मेटल है। बिल्कुल सर। और इसके साथ ये सोडियम जिंकेट बना देगा, तो ये तो आपका हो गया सॉल्ट ए। साथ में H2 गैस यहां से लिबरेट होती है, वो आपकी होगी गैस एक्स, एक्स गैस होगी। अब कह रहा है कि जो सॉल्ट ए है उस पर अटैक करवा दो किसी गैस का, जो वाई गैस है, तो ये आपका व्हाइट पीपीटी देगा। तो अगर अपन इस पर H2S का अटैक करवाते हैं तो ये आपका Na2O बनाएगा, जिंक सल्फाइड की व्हाइट पीपीटी आ जाएगी। ओके सर, सो जिंक सल्फाइड व्हाइट पीपीटी देता है। बिल्कुल सर। तो ये सॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड भी आप बोल सकते हो कि ZnS का व्हाइट पीपीटी आती है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है किसकी व्हाइट होती है, किसकी कैसी पीपीटी होती है, किस सल्फाइड की। तो ZnS कैसी व्हाइट पीपीटी देता है, जो सर ने बताया। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए कि सोडियम सबसे पहले ए पूछा है, अपने से पूछा है सिर्फ, अच्छा ए भी पूछा है। बिल्कुल ए पूछा है, देखते हैं क्या ए क्या दे रखा है। Na2ZnO2 दे रखा है। बिल्कुल सर, सोडियम जिंकेट, जिंकेट दे रखा है, परंतु दूसरा सेट नहीं हो रहा है। तो गैस एक्स बता सकते हैं अपन, H2 बता सकते हैं, ये हाइड्रोक्साइड से सेट नहीं हो रहा है। तो W अपन कह सकते हैं कि ZnS है और एक्स क्या है, H2। तो अपना आंसर कौन सा देगा? फोर्थ आंसर देगा। बिल्कुल, आपको मैच करना है बेटा कौन से ऑप्शन में ये जो अपने बन रहे हैं प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन से में दोनों सही सही दिए गए हैं। क्योंकि पहला ऑप्शन तो ये ए तो इसमें भी दिया गया है, परंतु ये एक्स रॉन्ग हो गया। बिल्कुल सर, ठीक है। इस हिसाब से अपने को चेक करके आंसर देना, आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चले रिएक्शन लिखते चलते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CO2 गैस अलोंग विद सॉलिड Y इज ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम सॉल्ट X इज हीटेड। क्या कह रहा है कि सोडियम लवण X को गर्म करने पर एक ठोस Y तथा CO2 गैस प्राप्त होती है। यहां से पता लग रहा है कि CO2 अपने को प्राप्त हो रही है। CO2 किससे प्राप्त हो सकती है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से प्राप्त हो सकती है। आगे बात कर रहा है, जब CO2 को एक्वस विलयन Y से गुजारा जाता है तो वापस क्या मिल जाता है अपने को? X प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन बताएं सर। बिल्कुल, अगर अपन X इसको मानते हैं अपन, तो ये तो आगे डिकम्पोज ही नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो ज्यादा से ज्यादा Na सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम के कार्बोनेट है, उनको गर्म करने पर CO2 गैस अपने को प्राप्त नहीं होती। तो ये तीन ऑप्शन तो सर वैसे ही चले गए, अगर नहीं भी आता हो मेरे को तो मैं आंसर पे टिक लगा दूंगा। बिल्कुल सर। फिर आगे मैं बात करूं तो ये बच गया अपना, ये आपका हो सकता है एक्स। अब इसको हीट दे दें तो ये बना देगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये CO2 भी दे रहा है और साथ में सॉलिड वाई, ये आपका सॉलिड वाई मिल रहा है। फिर कह रहा है कि सर वाई का एक्वस सॉल्यूशन, वाई का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है इसके साथ वाटर है, कहने का मतलब बात ये होगी वाई के साथ मैंने वाटर, और कह रहा है इसमें वापस CO2 मिलाओ, तो वापस इसके साथ CO2 मिलाएंगे, तो ये फिर से आपका NaH। तो सर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है जी, इसको इसको गर्म करने पर अपने को क्या मिल जाएगा? कार्बोनेट मिल जाएगा, और इसमें वापस CO2 पास करने पर वापस से बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। तो ये इंटरचेंज कर सकते हो आप कि कार्बोनेट में अपन एक्सिस में क्या CO2 पास करेंगे तो बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट को अपन गर्म करेंगे तो वापस अपने को कार्बोनेट मिल जाता है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। बिल्कुल सर। ए प्लस Na2CO3 बी प्लस सी, ए में अपन CO2 पास करेंगे तो मिल्की क्लाउड बनता है सी, तो अपने को ए बी और सी रिएक्शन फॉर्मूला रिएक्शन बेस्ड है, करें सर। बिल्कुल सर, इसके लिए अपने खाली पेज भी साथ में बात करते चलते हैं। सबसे पहले ए की रिएक्शन अपने से करवा रहा है Na2CO3 के साथ, और फिर बना रहा है बी और सी सी, और कह रहा है कि ए में मैं CO2 पास करता हूं तो मिल्की क्लाउड आ जाएगा। बिल्कुल सर।
तो यहां से अपन देखे सर, मैं अगर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, बिल्कुल सर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे अगर मैं इसको मानता हूं तो ये Na2CO3 के साथ रिएक्शन करेगा सर, और ये अपना बना लेगा NaOH और साथ में बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैं इसको तो ये मान लेता हूं, बिल्कुल सर, ये अपना सर B हो गया और ये C हो गया। अब देखना है कि ये क्या A यही होगा। तो अगला कह रहा है कि अगर इसमें मैं CO2 पास करता हूं, तो CO2 पास करता हूं तो मिल्की क्लाउड, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 हो जाएगा, और एक्सेस में अगर CO2 लेता तो ये मिल्की नेस डिसअपीयर हो जाता, बाइकार्बोनेट बन जाता, जो कि अपन बात करते अपने को मिल्की जो क्लाउड है अपन दोनों में सेम मिलता है, एक तो CO2 जी, CO2 के लिए बात करें या SO2 के लिए बात करें जी, बिल्कुल दोनों में ही अपने को सेम अपीयरेंस मिलता है, कैसा मिल्की क्लाउड का मिलता है, ये आपको सॉल्ट एनालिसिस में अपन बात आगे करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, परंतु ये रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। नेक्स्ट चले सर, बिल्कुल सर, तो यहाँ पे तो अपना आंसर शायद फर्स्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड के लिए आपको विशेष बेटा स्पेशल ध्यान रखना है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के दोनों के हाइड्रोक्साइड की विलयता तो सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होती है, और थर्मल स्टेबिलिटी भी अपन बात करेंगे तो भी इंक्रीज होगी। तो याद रख लो फर्स्ट में एक तो आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, एक आपका कार्बोनेट हो गया, एक अपना ऑक्सीलेट हो गया, इसके अलावा फ्लोराइड हो गए, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, तो ये फर्स्ट ही अपना सही हो गया। बिल्कुल सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली कार्बोनेट इज इन ऑर्डर, ये गलत हो गया, अपने अभी बात की थी कार्बोनेट के नीचे जाने पर इंक्रीज हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, फर्स्ट आंसर अपना आ गया। नेक्स्ट वालों में बात करें तो दोनों अलग ऑप्शन है, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, Mg air plus heat x plus y H2O colorless gas z बनती है, H2O से फिर रिएक्शन का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, उसे कॉपर सल्फेट से कराई तो अपने को A मिलता है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसका स्पेशल ध्यान रखें, काफी बार बातें कर चुके हैं इसके बारे में, बताएं सर। देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की एयर में रिएक्शन करवाई, तो एयर में अपने हीट दे रहा है तो N2 भी है और O2 भी है, तो यहाँ पे दोनों चीजें बनेंगी, अपने मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बन जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन जाएगा। बिल्कुल सर, ये काम अपना फर्स्ट डे में तो सिर्फ लिथियम करता है, बाकी सेकेंड डे के सारे करेंगे, पी ब्लॉक करेगा, डी ब्लॉक की मेटल्स बिल्कुल सर, बाकी फर्स्ट वाले में बात करें सोडियम पोटेशियम वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे, फिर इसके अंदर H2O मिला रहा है, तो H2O मिलाएगा तो ये तो अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है ही, तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तो एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बिल्कुल सर, यहां से भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और गैस बनेगी, और गैस बनने वाली है वो बनने वाली है अमोनिया। ये कौन हो गया सर, जेड हो गया, हाँ बिल्कुल ये जेड हो गया सर, और ये एक्स मान लो और ये वाई वाई, फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि इसका एक्वा सॉल्यूशन लेना, वाटर मिलाना है, तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बन गया, बिल्कुल सर, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अपन ये कह सकते हैं एक्वस फॉर्म ऑफ NH3, बिल्कुल सर, ये एक्वस फॉर्म है NH3 की, कई क्या करते हैं इसको NH4 प्लस OH माइनस समझ के बोलते हैं कि NH4 तो लिगेंड है ही नहीं, क्योंकि लॉन पेयर डोनेट करेगा ही नहीं, लेकिन ये NH4OH यहाँ पे NH4 प्लस आयन नहीं देगा, ये एक्वस फॉर्म है किसकी, अमोनिया की, तो एक तरीके से अमोनिया ही है। अब इसमें अपन कॉपर सल्फेट मिला देते हैं, तो कॉपर सल्फेट आपको पता है स्काई ब्लू कलर का ये होता है, जैसे ये जाएगा तो लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ी, लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो स्प्लिटिंग बढ़ेगी, तो कलर की डेप्थ भी बढ़ जाएगी, तो अपना यहाँ पे बन जाएगा कॉपर NH3 4 SO4, तो डीप ब्लू कलर यहां से, तो संकुल निर्माण हो रहा है। यहां याद रखने लायक बेटा क्या क्या है, एक तो जितने भी मेटल नाइट्राइड है उनके अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, अमोनिया गैस मिलेगी, बिल्कुल सर, ये अपन पहले ही बात कर चुके होंगे सर कि जितने भी नाइट्राइड, बिल्कुल सर, इनका हाइड्रोलाइज करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, अमोनिया और फॉस्फाइड, तो फॉस्फेट मिल जाएगी, पीएस3 मिल जाएगी, और अपन बात करें हाइड्राइड
तो अपने क्या मिलेगा, एच टू मिलेगा, एच टू गैस। अगर अपन बात करें कार्बाइड सीओ टू, कार्बाइड से अपने हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बिल्कुल अपने को हाइड्रोकार्बन प्राप्त होंगे। अगर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई से हाइड्रोकार्बन बना है तो उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या मीथेन बन जाएगी, वरना अपन चार्ज बैलेंस करके देख लेंगे। तो ये आप स्पेशल याद रखें, आपको काफी रिएक्शन याद हो जाएंगी कि किसके हाइड्रोलाइसिस से क्या क्या बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा सर? अपना आंसर सर इसमें थर्ड आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। जी सर, CaSO4.2H2O ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये हो गया 2H2। ये 2H2 है, इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे ए बन रहा है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे बी बन रहा है, स्ट्रॉन्गली हीटेड करेंगे सी बन रहा है। ये अब इसका टेम्परेचर आपको काफी इंपोर्टेंट, टेम्परेचर आपको स्पेशल याद रखना है सर, बताएंगे आपको सर। इसमें पूरा खेल सर इसी का है टेम्परेचर का। तो सबसे पहले जब इसको हीट करेंगे तो अपना कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट अपने को मिलता है, जिसको अपन है CaSO4 2H2O भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। इसको बेटा शॉर्ट वर्ड में क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज हॉस्पिटल्स में किया जाता है, किसको, बोन, बड़ी बोन होती है उनको, उनके मूवमेंट को रोकने के लिए, उनको जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्लास्टर किया जाता है। तो ये तो सर अपना ए हो गया, बिल्कुल सर। अब इसको अगर इधर टेम्परेचर थोड़ा हाई किया है तो पूरे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो CaSO4+2H2 यहाँ पे बन जाएगा। तो ये अपना आ जाएगा जिसको डेड बर्नर्ड प्लास्टर भी अपन, बिल्कुल जला हुआ मृत प्लास्टर भी कहा जाता है। और सर अगर इसको स्ट्रॉन्गली हीट कर दिया तो यहां से ऑक्सीजन भी निकल जाएगी और ये कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा सर प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड बर्नर्ड प्लास्टर और कैल्शियम सल्फाइड। ये टेम्परेचर बेटा आपको स्पेशल ध्यान रखना है, 120 पर जब भी जिप्सम को अपन गर्म करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, पीओपी मिलेगा, और जब भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो अपने सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, डेड ब्रंट प्लास्टर मिल जाएगा, जला हुआ मृत प्लास्टर मिल जाएगा। और अपन इससे ज्यादा अपन इसको गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सर ने ऑप्शन बताया सर कौन सा सही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेड ब्रंट प्लास्टर। परंतु ऐसा क्वेश्चन आया तो बेटा ये जरूर ध्यान रखना कि ये क्रम क्या पूछ रखा है इसने, ए बी सी पूछ रखा था, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बी ऑप्शन को चेंज करके इस क्वेश्चन को रॉन्ग करा सकता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड नाइट्रोजन यूज एज ए फर्टिलाइजर, इस किसका यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है। वो सर नाइट्रोलियम अपना काम में आता है, ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया था 2016 का जो सेकंड फेज हुआ था उसमें ये क्वेश्चन, रिएक्शन बता रहे सर जिसके अंदर है, यहां से कैल्शियम साइनेमाइड बन जाएगा और साथ में आपका कार्बन, इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, नाइट्रोलियम बोला जाता है, जिसका यूज एज ए फर्टिलाइजर किया जाता है, बिल्कुल। ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पर बात करें कि आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, N2 से कराएं, N2 से, बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 प्लस कार्बन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहां जो ये कैल्शियम साइनेमाइड की आपको स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखनी है, कैल्शियम साइनामाइड की स्ट्रक्चर Ca+2, अपन बात करें कार्बन डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड N, यहाँ माइनस एंड यहाँ माइनस, यहाँ पर इसमें कौन से कितने सिग्मा कितने पाई, दो सिग्मा दो पाई एंड दो पाई है, इसमें sp हाइब्रिडेशन है, यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, यहाँ आयनिक बॉन्ड आएगा, और ये कौन से बॉन्ड है, सह संयोजक बॉन्ड है। इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सर अपने पास, फोर्थ आ जाएगा सर, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन नाइट्रोलियम कहते हैं इसको, फॉर्मूला दे दिया, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया आपका, यूरिया देता है, फिर यहां से अमोनिया मिल जाएगी। नेक्स्ट चले सर, ये कंफ्यूज करने वाला थोड़ा सा, ये ध्यान रखना कैल्शियम साइनाइड लिख रखा है इसने और यहाँ क्या लगा साइनामाइड लिख रखा है, तो कैल्शियम साइनामाइड आएगा आंसर में अपने, बिल्कुल सर। इसको आप जैसे हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको अमोनिया मिल जाएगी, जिनके भी हाइड्रोलाइसिस से नॉर्मली हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया मिलती है उनका यूज एज ए फर्टिलाइजर किया जाता है, जैसे अपन बोलते हैं यूरिया, जी जी बिल्कुल, यूरिया का भी अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट चले सर, बिल्कुल सर, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बताए सर। देखो फर्स्ट ए के जितने भी हैं और सेकंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम को आप छोड़ दो क्योंकि वो न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली होल्ड होते हैं, तो आईपी ज्यादा होती होंगी जी, ऐसे बोल सकते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट है कि जो भी मेटल है जब लिक्विड अमोनिया के साथ उसको मिलाएंगे, अब अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स और वाई मोल अपन इसके मिला रहे, तो फर्स्ट है कि मेटल है इलेक्ट्रॉन निकालेगी और अमोनिया के मान लो एक्स मोल इसके साथ एसोसिएट हो गए, साथ में जो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हुआ था उसके साथ कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल मान लो कि वाई उसके साथ अटैच, तो ये तो बोला जाता है अमोनेटेड मेटल, और ये आपका अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बोल दो या सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, ये सॉल्यूशन कंडक्टिविटी शो करेगा, कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन, तो दोनों की वजह से ये कंडक्टिविटी आएगी। कंडक्टिविटी का कहने का मतलब कंडक्टिविटी दोनों के साथ दोनों आयन जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन जब सर कलर की बात करें तो ये तो निकाल के इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले चुका है, लेकिन ये फिर इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर देगा। इसके अलावा जब रिडक्शन करना हो तो रिड्यूसिंग एजेंट का रोल भी यही प्ले करेगा। इसका मतलब ये बात कलर और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए महत्वपूर्ण रीजन कौन है, ये पैरामैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे तो इसी की वजह से आएगी अनपेंट के बराबरी। तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा सर? अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, सोल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, याद है फोर्थ आंसर आ गया जी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है अपने को, सर ने बताया जैसे कि चालकता दोनों के कारण आएगी, जबकि अगर अपचायक प्रवृत्ति पूछे या कलर पूछे या फिर और क्या बताया सर आपने, कलर अपचायक प्रवृत्ति और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताई, वो किसके कारण आएगी, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें सर कई बार ये भी कह देता है कि अगर इसको ज्यादा देर तक रख दें या फिर इसके अंदर लिक्विड अमोनिया और मिला दें तो इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है सर, तो यहां से क्या होगा कि एमाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल सर। और एच टू गैस रिलीज होगी, तो इस वजह से इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा। कई बार करता है कि इसका अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा ना वो ब्रॉन्ज कलर का होगा, तो वहां पर तो एक्युमुलेशन की वजह से वो ब्रॉन्ज कलर है, और यहाँ पे जो कलर डिसअपीयर होगा डाइल्यूट का तो वो एमाइड फॉर्मेशन की वजह से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ सेकंड ए ग्रुप। बेटा कार्बोनेट चाहे फर्स्ट ग्रुप का हो जाए, बिल्कुल सेकंड ग्रुप का, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो अपन इंक्रीज हो। आप इसको यूं कह सकते हैं कि जितनों की थर्मल स्टेबिलिटी समझानी हो उनको दो सीरीज में डिवाइड कर लो, सीरीज फर्स्ट और सीरीज सेकंड। सीरीज फर्स्ट में तो वो ले लो जिनमें पॉलीएटॉमिक एनायन हो, जैसे कि कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, बोरेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो फाई के इनवर्सली चलेगी, और फाई अपना होता है चार्ज अपॉन साइज। तो कहने का मतलब थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज आ गई। तो यहां पे अगर अपन देखें मैग्नीशियम से लार्ज होता है कैल्शियम, कैल्शियम से लार्ज स्ट्रोंशियम, बेरियम तो इनकी स्टेबिलिटी स्टेबल होगा, स्ट्रोंशियम फिर कैल्शियम फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल होगा। और अगर सर सीरीज सेकंड की अपन बात करें तो इनमें रखे गए मोनो एटॉमिक आयन, आयन वाले आयनिक कंपाउंड, जैसे कि हाइड्राइड हो गए, हेलाइड हो गए, ऑक्साइड हो गए, नाइट्राइड हो गए, प्रोक्साइड और सुपरऑक्साइड बड़े आते तो इसके साथ रहेंगे। तो अपन या तो ऐसे सर ने बताया वैसे कह सकते हैं कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल और बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, ठीक है। इनमें थर्मली स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी, और लैटिस एनर्जी चार्ज अपॉन साइज होती है। बिल्कुल, तो ये साइज से उल्टा चलेगा, जैसे आपने कहा छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा स्टेबल हो जाएगा। सीधा सा फंडा आप तो याद रखें, छोटे के साथ छोटा स्टेबल और बड़े के साथ बड़ा स्टेबल। नेक्स्ट बात करें सर जी। सर ए मेटल एम रिएक्ट विद एन टू टू गिव ए कंपाउंड ए, ये कंपाउंड दे रहा है, यहां से आपको पता लग रहा है कि ये मेटल नाइट्राइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मेटल नाइट्राइड। और यहां से आपको पता चलेगा ये कौन से ग्रुप की मेटल है, ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल है। बिल्कुल। ए ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर गिव ए ब्लैक एम एंड ए ऑन रिएक्ट विद एच टू गिव ए गैस बी। ये अभी भी अपन ने बात की थी कि जितने भी मेटल नाइट्राइड हैं, जितने भी मेटल नाइट्राइड है उनके जल अपघटन से या हाइड्रोलाइसिस से सबसे क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है। तो बी अपने पास क्या हो जाएगी, NH3 गैस हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? NH3। बी टर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू ऑन पासिंग थ्रू इट एम एंड बी कैन बी। ये अभी अभी अपन ने रिएक्शन बताई थी सर ने, आपने बताई है वही रिएक्शन सेम टू सेम है। बिल्कुल सर ने बताया था फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन करता है, लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो सीधा सा आपका आंसर आ जाएगा सोडियम रिएक्शन करता नहीं है। बिल्कुल सर। और यहां से अपने को पता लगा फर्स्ट ग्रुप का है, ये करते हैं लेकिन ये अपने पी ब्लॉक से हो गया और ये अपना सेकंड ए से हो गया। अपना आंसर कौन सा आ गया,
सेकंड आ जाएगा। ये अपने को यहीं से पता लग गया नाइट्राइड कौन सा बना हुआ है फर्स्ट, ये प्लस वन का बना हुआ है, प्लस वन का बना हुआ मतलब फर्स्ट ग्रुप का है। बिल्कुल सर, फर्स्ट ग्रुप में सोडियम रिएक्शन करेगा नहीं, फर्स्ट ग्रुप में ओनली ओनली केवल लिथियम नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। हमेशा इसमें यह ध्यान रखो जब नाइट्राइड बनता है ना तो बनने वाला नाइट्राइड स्टेबल भी होना चाहिए, मतलब लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबल होगा। बिल्कुल सर, तो इनमें लार्ज साइज होती है सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, तो इनकी लेटिस एनर्जी नाइट्राइडों की कम होती है तो ये नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर लिथियम स्मॉल साइज की वजह से बना पा रहा है, फर्स्ट एक आए लेकिन इतनी स्मॉल साइज की वजह से हाई लेटिस एनर्जी बनाएगा लिथियम नाइट्राइड की। बिल्कुल सर, तो ये एग्जिस्ट कर जाता है। तो पूरी रिएक्शन करके बता दे सर एक बार। बिल्कुल सर, तो लिथियम अपना हो गया एन टू के साथ, ये रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड अपना बना देता है, ये बन गया अपने पास। फिर ये कह रहा है हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, अगर इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वापस से लिथियम और एन टू में ये एन टू का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर इसी की रिएक्शन ये एच टू ओ से करवाता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया बन जाएगी, और अमोनिया को कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट जो कि स्काई ब्लू कलर का होता है, इसमें जैसे संकुल निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल सर, CH3SO4 डीप ब्लू कलर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसका स्पेशल ध्यान रखना है। इसके आगे बात करें अमोनिया और फॉस्फीन में अगर डिफरेंस की बात करें, अगर अमोनिया की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो अपने क्या मिलता है, संकुल निर्माण होता है। अगर फॉस्फीन से कराएंगे तो यहाँ फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों में डिफरेंस करने का तरीका सर ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई, मतलब यहाँ पे आप एक PH3 के साथ कॉम्प्लेक्स मत बना देना, इसके लिए आपको फॉस्फाइड बनाना होगा। बिल्कुल सर, फॉस्फाइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करें सर। जी सर, इसमें आंसर अपना सेकंड हो गया। सेकंड बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, द मेन ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन कमीशन ऑफ द ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर, यहां दे दिया आपको क्या एक्सेस ऑफ एयर है रिस्पेक्टिव। ये सर जेई मेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट है कि जितने भी है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, अगर इनको एक्सेस ओ2 के साथ हीट करें, सबकी बात कर लेते हैं सर। बिल्कुल सर, एक्सेस से ओ2 के साथ, ओ2 के साथ अपन हीट करते हैं तो ये तो बनाता है अपना ऑक्साइड, ये लार्ज साइज की वजह से परोक्साइड और सुपरोक्साइड बनाते हैं, तो ये आपका बनाता है परोक्साइड, परोक्साइड। और नीचे वाले ये तीनों बनाते हैं सुपरोक्साइड। इसी प्रकार सर अपन है सेकंड की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम तो ऑक्साइड बनाता है, आगे वाले सारे सुपरऑक्साइड, तो इसका तो ऑक्साइड बनेगा, तो ये तो बन गया Li2O, ये परोक्साइड बनेगा Na2O2, और ये सुपरऑक्साइड बनेगा KO2। हालांकि सर इसके साथ थोड़ा सा सुपरऑक्साइड बनता है, इस वजह से ये येलोइश कलर शो करता है, लेकिन मेनली परोक्साइड ही बनता है। तो अपने परोक्साइड की बात, ऑप्शन में परोक्साइड अपने दे रखा है तो परोक्साइड का ही बात करेंगे। और साथ में अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस की आगे बात कर दें, इसका HOH कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सर, और इसमें बात करेंगे HOH कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड और H2O2 प्लस H2O2 का फॉर्मेशन होगा। अगर इसका HOH कराएं हाइड्रोक्साइड H2O2 प्लस H2O2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होगा। एक चीज और बेटा इनका ध्यान रखना, आपको परोक्साइड का फॉर्मूला ये कंफ्यूज करता है आपको, O2-2 और सुपरऑक्साइड का फॉर्मूला O2-1 होगा, ऑक्साइड आपका O-2। इनमें से अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, O2-2 कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, O2-1 मतलब सुपरऑक्साइड कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, इनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इनमें सर एक चीज और पूछ ले तो, जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये अपना सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ये वाला आपका वही चलेगा, बस हाइड्रोक्साइड की जगह अपने को सॉल्ट बन जाए लगा देना। बिल्कुल सर, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सर, फर्स्ट आ जाएगा अपने पास। हाँ बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात, इसको सर एक नाम और दिया जाता है ओजोन, इसको ओजोन बोला जाता है, यूज एज ए ऑक्सीजन लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें जी सर, NaH is a an example of, NaH एक उदाहरण है, ये सॉल्ट की तरह बनता है तो इसको सेलाइन हाइड्राइड कहा जाता है। इसी प्रकार परिशुद्ध हाइड्राइड और आते हैं वो अपने फोर्थ ग्रुप वाले बनाते हैं कार्बन फैमिली, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन रिच वाले तो वो अपने नाइट्रोजन फैमिली वाले बनाते हैं। क्यों सर,
अगर इसका अपन सिलेन हाइड्राइड हो गया और साथ में अभी अपन ने बताया था NaH है, इसका HOH कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा जी, NaOH प्लस H2 का फॉर्मेशन होता है जी। एक मजे की बात यह है, चाहे तो सोडियम हाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करा दो जी, या चाहे सोडियम की रिएक्शन किससे करा दो, वाटर से करा दो जी सर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोनों में समान प्रोडक्ट बनेगा, दोनों में ही क्या बनेगा, बेस और H2 का फॉर्मेशन होता है। वो ऐसे पूछता है आपसे, निम्न में से कौन सा मेटल या उसके हाइड्राइड की रिएक्शन करवाने, वाटर से करवाने पर सेम उत्पाद देता है, तो अपन बता देंगे फर्स्ट ग्रुप वाले हाइड्राइड है वो और उनकी मेटल्स हैं वो सेम वाटर से रिएक्शन करके सेम उत्पाद देते हैं। बिल्कुल, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट चले सर। बिल्कुल सर, द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इन H2 एंड D2O रिस्पेक्टली इज, H2 तथा D2O के उच्च घनत्व का ताप क्रमशः है। बिल्कुल सर, ये एग्जाम में ICS में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है। 4 डिग्री सेल्सियस पर तो वाटर का मैक्सिमम होता है, ये याद रखना है, और 11.6 डिग्री सेल्सियस पे अपना D2O का होता है, ये याद रखने वाली चीज है, डेटाबेस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं जी सर, द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज, हाइड्रोजन परऑक्साइड की रासायनिक प्रवृत्ति है, बताएं सर। यहां पे ये दोनों ही मीडियम में आपका एसिडिक और बेसिक में ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम में आता है सर, और एसिडिजिंग भी की तरह भी काम में आता है, और काफी रिएक्शंस इसकी एनसीईआरटी में दे रखी है, बच्चों को वहां से पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर, तो अपना ये आ जाएगा सर, दोनों मीडियम में ही काम करता है। नेक्स्ट बात करें जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमंग स्टेटमेंट A to D द करेक्ट वन, फिर वही बात कर रहे हैं अपन, करेक्ट के बारे में बात करनी है अपने को, देखते हैं बताएं सर। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर डीकम्पोज करते हैं तो ऑक्सीजन बनती है, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में अपन बात करें लाइक हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कंपाउंड में होता है O2, वैसे ही इनको भी अगर आप हीट करते हो तो O2 गैस लिबरेट होगी, इसको करोगे तो KCl बनेगा, O2 बन जाएगी, लेड नाइट्रेट बनेगा NO2, रेडिश ब्राउन गैस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रेटो को हीट करने पर रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलती है और O2 बनेगी, और ये सोडियम नाइट्रेट है इसको हीट करेंगे तो सोडियम नाइट्राइट बन जाएगा और O2 निकलेगी, बाकी फर्स्ट वाले डीकम्पोज नहीं होते, ये ही एक पार्शियली डीकम्पोज होकर के O2 देता है अपना कौन, नाइट्रेट। KClO3 है, इसका यूज है O2 के फॉर्मेशन में किया भी जाता है, एनसीईआरटी में अपने दे रखा है, पढ़ते भी हैं इसके बारे में, बिल्कुल लैब मेथड में आता है। हां जी बिल्कुल, नेक्स्ट बात करें सी, तो ये भी सब करेक्ट हो गया। फिर 2-ethyl anthraquinone को हाइड्रोजन परऑक्साइड के, बिल्कुल इंडस्ट्रियल मेथड है ये रिएक्शन, आप एनसीईआरटी से, बिल्कुल सर, और इसी प्रकार हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग सोडियम परबोरेट के प्रोडक्शन में भी किया जाता है, तो ये बात भी चाहिए, ये रिएक्शंस है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की आपको देखनी चाहिए, इसका मतलब आपके ABCD जी सर तीनों ही सही हैं, बिल्कुल चारों सही है सर, तो थर्ड आंसर अपना AC and D फर्स्ट आंसर आ जाएगा सर, चारों सही है, इसमें सी, अच्छा इसमें बी गायब है, बिल्कुल तो अपना इसमें चारों ही सही हो गए, तो अपना फर्स्ट आंसर जी सर। नेक्स्ट देखें जी सर, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप ए बी एंड सी, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एस इन ए बी एंड सी रिस्पेक्टली एक्स वाई एंड जेड, द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो बताइए सर। बिल्कुल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं सर, एक तो प्रोटियम हो गया अपना, एक ड्यूटेरियम हो गया और एक ट्रिटियम हो गया, बिल्कुल सर, तो इनमें देखा जाए तो एटॉमिक नंबर तो इनका सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनमें सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनका डिफरेंट होता है, और इसी वजह से इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट आता है, तो आइसोटोप वही होते हैं जिनमें जेड पी और ई तो सेम हो और एन ए अलग, तो अपने को इसके लिए एक्स बोला गया इसको, इसको वाई और इसको जेड, तो तीनों का सम करते हैं तो सर 3 आ गया, बिल्कुल सर, तो अपना फोर्थ आंसर, बिल्कुल सर, बहुत इजी क्वेश्चन है जी, ये जे मैन 2020 में, हाँ बिल्कुल सर, आते 8-10 क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम के अपने डाल रखे हैं जी सर, कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ए वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस, कुछ आयंस की वाटर कंसंट्रेशन दे रखी है बेटा आपने को, क्लोराइड की दे रखी है 10 ppm, सल्फेट की दे रखी है 100 एंड नाइट्रेट की दे रखी है 50, वैसे तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्वेश्चन है सर ये जी जी, बताएं सर। इसमें देखो देखा जाए ना तो अपन एक एक की बात कर लेते हैं, सबसे पहले फ्लोराइड की बात कर लेते हैं, तो अगर सर फ्लोराइड अपने बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि अपने जो दांत होते हैं टीथ होते हैं उनका जो इनेमल होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है,
CA3 बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? एनामेल ही होता है। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। तो अगर फ्लोराइड अपने लिए जरूरी है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन 1 ppm तक हो तो ही, जिससे क्या होगा ये फ्लोराइड जब इनेमल को मिलेगा तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट अपना चेंज हो जाता है फ्लोरोएपेटाइट में, और ये उससे काफी ज्यादा हार्ड होता है तो दांतों को मजबूती मिलेगी सर। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 ppm से बढ़ा देता हूं मैं तो फिर क्या हो जाएगा, ब्राउन स्पॉट शुरू हो जाएंगे दांतों के ऊपर। और अगर इसकी सर कंसंट्रेशन 10 ppm हो गई तो फिर ये काफी ज्यादा नुकसान देगा, अब ये डैमेज कोरोजन शुरू कर देगा दांतों का और बोन्स का। जैसे कई होगी दांत कट फट जाते हैं आजकल फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो गया पानी में, तो जैसे अपन कहते हैं कि एक राजस्थान में एक पट्टी मानी जाती है कुबड़ा पट्टी, जिसमें जी बिल्कुल वहाँ फ्लोराइड की मात्रा जाने ज्यादा होने के कारण लोग झुक जाते हैं। हाँ वो बिल्कुल हड्डियों में हो गई। फिर इसके बाद में बात करते हैं सर सल्फेट की। तो सल्फेट के लिए तो स्टैंडर्ड पैमाना है क्योंकि मैक्सिमम 500 ppm तक होता है तो ये चलता है सर। अगर इससे ज्यादा अगर ये हो जाता है तो लैक्सेटिव इफेक्ट देता है, वो लूज मोशन वगैरह से समस्या ही शुरू हो जाती है। सल्फेट 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। और नाइट्रेट 50 ppm तक ठीक होता है, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथेमोग्लोबिन नामक कोई डिजीज होती है वो हो जाती है सर। इसी प्रकार अपने जैसे लेड होता है उसकी 50 ppbs तक होती है, कॉपर होता है वो 3 ppm तक होता है। तो ये स्टैंडर्ड पैमाने हैं जो एनसीईआरटी में दे रहे हैं। कहने की बात ये बेटा एनसीईआरटी जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अपने पास जो टॉपिक है इसको आप एनसीईआरटी से पढ़े। बिल्कुल सर, लाइन टू लाइन वहां पर वहां डाटा दे रखे हैं उनको याद करें, वैसा का लाइन टू लाइन वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल सर। इस क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन अपने लिए नुकसान, ये सही है, नाइट्रेट नुकसानदायक नहीं है या सल्फेट भी नुकसानदायक नहीं है, परंतु यहाँ जो फ्लोराइड दे रखा वो क्या है, नुकसानदायक है। तो यहाँ पर अपने आंसर आ जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा ओनली। इसमें सर एनवायरमेंटल में अगर ये सिलेक्टिव मैटर भी करना चाहे तो एक तो ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड पैमाने और बीओडी को भी अगर तैयार कर ले तो क्वेश्चन की ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी ठीक होने की हो जाती है। इसके अलावा ओजोन डिप्लेशन वगैरह से भी अच्छी मेन क्वेश्चन यहाँ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से वाटर की बात है। ठीक है सर, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सर अपन ने बात कर ली, ये बात कर चुके हैं अभी अपन। फ्लोराइड क्या करता है, इसको फ्लोरोएपेटाइट में बदल देगा, यहाँ पे अपना वो एप आ जाएगा। तो ऑप्शन अपना आ गया फर्स्ट, आ गया फर्स्ट आ जाएगा सर। ये बात अपने अभी की है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं। ये हार्ड कर देता है दांतों को, मजबूती देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी सर, द कंपाउंड दैट इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज, ये भी सर एनवायरमेंटल से है। देखो दो प्रकार के स्मॉग बनते हैं। आप स्मॉग क्या होता है पहले तो ये देखो, स्मॉग आपका होता है स्मॉग प्लस फोग। अब कई जगह इसको फोग की बजाय वाटर वेपर भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मोक प्लस वाटर वेपर से भी आपका। तो दो प्रकार का स्मोक बनता है, एक तो बनता है सर क्लासिकल स्मोक जिसको अपने लंदन स्मोक भी बोल सकते हैं, ये सबसे पहले लंदन में देखा गया था। एक बनता है अपना फोटोकेमिकल स्मोक, ये फोटोकेमिकल स्मोक इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी अपन बोल सकते हैं। जैसे फोटो का पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, मतलब ये दोपहर के समय में बनता है सर। अपने एनवायरमेंटल में क्या होती है NO2 वगैरह होती है, तो वैसे तो NO2 बन नहीं पाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा लग जाता है तो अपना जो स्पार्क प्लग होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, उस कंडीशन में वहां का एनवायरमेंट गर्म होने से N2 और O2 रिएक्शन करके NO2 बना देता है। बिल्कुल सर। तो जो आपका क्लासिकल स्मोक है उसमें तो मेनली रोल होता है सर SO2 का, क्लासिकल में जिसको अपन लंदन स्मोक भी बोलते हैं। वो उसके लिए हमिड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चाहिए, मतलब कि नमी होनी चाहिए थोड़ी, तो इसका मतलब वो दिन के समय में बनता है, मतलब सुबह मॉर्निंग में। ओके। और ये क्या, इसके लिए ड्राइनेस चाहिए, तो ये दोपहर में बनेगा। और इसके अंदर मेन कंपोनेंट होता है वो O3 और NO2 होता है, और इनमें भी अगर मेन देखे तो NO2 होता है। तो ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं इसके लिए, और जो नॉन बर्न हाइड्रोकार्बन है जो जलती नहीं है उसके साथ ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, और एक तो पैन बना लेते हैं सर परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो जिसकी बात ये कर रहा है, तो इसका रोल हो गया बिल्कुल सर फोटोकेमिकल स्मोक में। इसके अलावा ये बात करता है, इसमें एक्रिलीन होती है तो ये भी रोल हो गया। इसके अलावा मैंने कहा है कि ओजोन तो खुद काम में आती है, बिल्कुल। इसके अलावा NO2 होती तो वो भी आ जाती सर यहाँ पे, और फॉर्मेल्डिहाइड होता तो वो भी आता है, इन सब का रोल होता है। क्लासिकल स्मोक की बात करता तो वहां सिर्फ SO2 का रोल होता, और एक उसमें कई बार सल्फ्यूरस एसिड भी बन जाता, इसलिए उसको सल्फ्यूरस स्मोक भी बोल दिया जाता है।
तो यहाँ पे इसका रोल नहीं होगा, ये होगी फ्रियोन, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए रोल प्ले करती है। जो अपन ऐसे बोल सकते हैं जैसे क्लासिकल, याद रखने के लिए क्लासिकल, उसमें एस आ रहे हैं, एस आ रहे हैं तो मतलब SO2, बिल्कुल सर, एस आ रहे हैं तो मतलब SO2 आएगा। बाकी जो भी है जैसे ओजोन है, ये एल्डिहाइड है, ये है, इनका काम यूज किस, ये कौन बनाता है, फोटो केमिकल स्मोक में अपने को मिलते हैं। बिल्कुल सर, एक एनवायरमेंट में एक अच्छा क्वेश्चन सर यहाँ से भी आता है, पोल्यूटेंट से, एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक सेकेंडरी। तो जो एनवायरमेंटल में पहले से मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 है, SO2, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होते हैं इनकी रिएक्शन से बनेंगे, ये हाइड्रोकार्बन वगैरह से, जैसे हाइड्रोकार्बन भी प्राइमरी पोल्यूटेंट में आ गए, लेकिन अब ये आपस में अगर रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गए, जैसे अपने अब ये सेकेंडरी है सारे, ये PN जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये O2 O3 ये रिएक्शन करके O3 की अगर मैं बात करूं तो ये एनवायरमेंटल पहले से है, तो ये प्राइमरी है, NO2 पहले से ये प्राइमरी है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, ये पैन हो गया, ये सारे सेकेंडरी में। ओके जी सर, तो अपना आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, फ्रियोन। नेक्स्ट बात करते हैं। जी सर, Na2SO4 इज वाटर सॉल्युबल बट BaSO4 इज इनसॉल्युबल बिकॉज़, ये सर अपने वो आ गए, वन और मोर देन वन चॉइस आ गया। तो ये कह रहा है Na2SO4 जल में विलेय परंतु BaSO4 जल में अविलेय है, क्यों बताएं सर? बिल्कुल, अपन ने पहले भी इसके बारे में बात की है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है तो सोल्यूबल है, तो ये कह रहा है कि ये इनसोल्यूबल है, तो इनसोल्यूबल है इसका मतलब है इसमें हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, और इसको बता रहा है सोल्यूबल है, इसका मतलब इसमें हाइड्रेशन एनर्जी तो ज्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है, तो ये कह रहा है कि द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na2 इज हायर देन लैटिस एनर्जी, बिल्कुल सर सही बात है, इसलिए ये सोल्यूबल है, अगर सर कम होती तो ये सोल्यूबल होता ही नहीं। फिर कह रहा है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ BaSO4 इज लेस देन द लैटिस, बिल्कुल सर बिल्कुल सही बात है, ये सही है, ये उल्टा बोल रहा है, जो बोल दिया तो आंसर आ गया अपना फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड जी सर आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट एंड थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर, जी सर, Which of the following statement as false? B सर आप वाली वो बिल्कुल सर सत्य है, जी सर, BCl2 is a linear molecule in the vapor state but in a polymeric in the solid state, बताइए सर। मैं सर इस बात से तो एग्री कर रहा हूं कि जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो पॉलीमेरिक होता है, गैसेज में होता है तो लीनियर होता है, लेकिन वेपर फेज में भी ये सर ये जाता है तो डायमेरिक फॉर्म में जाता है, तो ये डायमेरिक फॉर्म में होगा तब होगा, तो ये पहला ही सर रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सर, और डायमेरिक फॉर्म में होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 आ जाता है, और जब ये पॉलीमेरिक में होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और ऑक्टेट कम, कैल्शियम हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोलिथ, बिल्कुल इसका कॉमन नेम है, इसका कैल्शियम हाइड्राइड का, बिल्कुल सर हाइड्रोलिथ, इसका यूज एज ए अपन हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपने बताया था H4 से रिएक्शन करके CaH2 जी, इसका अगर HOH कराओगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन। इसमें सर एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछ लेता है कि ये 1 मोल से ही 2 मोल H2 प्रोड्यूस करता है, जबकि फर्स्ट ए वाले हाइड्राइड होते हैं ना 1 मोल से 1 H2 प्रोड्यूस करते हैं, ये काफी अच्छा पूछा जाता है। बिल्कुल सर, कार्बाइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिटिलीन, बिल्कुल सर ये मेरे को ये तो ठीक लग रहा था काम, यहां आते ही गड़बड़। बेरिलियम जो कार्बाइड बनाता है वो कौन सा बनाता है बेटा, Be2C की बात करता है, बिल्कुल, और कैल्शियम कार्बाइड क्या बनाता है, CaC2 का फॉर्मूला होता है जी। अगर मैंने अभी बताया था अगर कोई क्रॉस मल्टीप्लाई से कार्बाइड बना हुआ है तो उसके हाइड्रोलाइसिस से मीथेन बनेगा, तो इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, मीथेन बन जाएगा सर, CH4 मिल जाएगा, जबकि इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो अपने को क्या मिलेगी, एसिटिलीन मिलेगी, सी ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, बेरिलियम एंड कैल्शियम दोनों की कार्बाइड की क्रिया जल से करवाने पर एसिटिलीन प्राप्त होती है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया सर। बिल्कुल सर, कई बार सर ऐसे पूछ लेता है CaC2 में सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ लेता है, तो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है सर जी, तो इसमें एक सिग्मा हो गया दो पाई हो गए, इसको रिएक्शन करवा के नहीं पूछ रहा है, इसी में पूछा गया है तो एक सिग्मा दो पाई होंगे, बिल्कुल सर, ऑक्साइड ऑफ बोथ बेरिलियम, ये सर फॉल्स हो गया, तो अपना ये हो गया फॉल्स ही देख लेते हैं। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड कैल्शियम आर एम्फोटेरिक, रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिल्कुल सर, सेकंड ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जैसे होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, बाकी सभी के नीचे जाएंगे अपन, बेसिक नेचर होगी। एम्फोटेरिक में आपको ये ध्यान रखना है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे, तो इसमें बेरिलियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, अपने गैलियम आ गया, जिंक आ जाएगा, टिन आ जाएगा, लेड आ जाएगा, तो ये तो एम्फोटेरिक हो गया, लेकिन ये तो बेसिक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये भी।
तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अपना आंसर हो गया सर फर्स्ट थर्ड फोर्थ। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करें। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। बिल्कुल सर। कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग गिव ए कलरलेस गैस व्हिच इज नॉट सपोर्टेड टू कमीशन द रेसिड्यू इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड एक्सेस ऑफ SO2 इज पास्ड थ्रू इट फर्स्ट वी गेट व्हाइट PPT देता है व्हिच डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ SO2 एंड कंपाउंड एक्स कैन नॉट बी। अभी अपन ने बात की थी कि CO2 और SO2 का सेम नेचर रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। पहले क्या व्हाइट पीपीटी देते हैं और फिर कार्बोनेट इसमें सल्फाइड की मिलेगी, फिर अपन एक्सेस में पास करेंगे तो दोनों की डिसॉल्व हो जाती है, उधर बाइकार्बोनेट और इधर बाई सल्फाइड। बिल्कुल। तो अगर सर मेरे को नहीं भी आता तो क्वेश्चन ये दो तो मैं वैसे ही हटा देता हूं, क्योंकि इसको हीट करता तो O2 देता जो बर्निंग में हेल्प करता है और ये डीकम्पोज ही नहीं होता। बिल्कुल सर। अब मेरे पास बच गया ये, तो पहले मैं इसको मान लेता हूं कि मेरा एक्स यही है, तो इसको एक्स मानते हुए मैं इसको अगर हीट देता हूं तो सर कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना और बिल्कुल ये कंबसन में हेल्प ना करके ये तो आग को बुझाने में काम में आती है। बिल्कुल सर। फिर इसमें कह रहा है कि SO2 पास करनी है तो कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा जो व्हाइट PPT देता है। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में ये कह रहा है इसमें एक्सेस में इसके एक्वस सॉल्यूशन में तो एक्वस बना दिया सॉल्यूशन है और SO2 पास कर दी तो कैल्शियम है बाई सल्फाइट यहाँ पे बन जाता है और जो व्हाइट PPT वापस से ये डिसअपीयर हो जाए डिसॉल्व हो जाए। तो अपना सर फर्स्ट आंसर। इसमें सर ये पूछ रहे हैं कि तो एक्स नहीं हो सकता, तो दो नंबर नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और अपना ये नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकते, ये हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा 2, 3 and 4। जी सर। नेक्स्ट देखें। जी सर। Which of the following is correct? निम्न में से कौन सा सही है? Lattice energy change more than hydration energy on descending the group. Right, तो यहाँ पे which of the following is correct? Correct यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहले वाला तो ये कोई फिक्स नहीं है कि नीचे जाने पर लैटिस, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन से है, किसके कंपैरिजन किसका कंपैरिजन कर रहे हो, कौन सा एनायन लेके कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस बेस के अनुसार वेरी करना पड़ेगा। कई बार लैटिस एनर्जी रैपिडली डिक्रीज होती है तो कई बार हाइड्रेशन एनर्जी, तो ये बोलना गलत होगा कि हर बार अपनी पूछा अपने लैटिस ही। हां ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना। नेक्स्ट बात करें। लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयन। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन ही लैटिस एनर्जी है, वहां पे जो एनर्जी निकलती है। बिल्कुल सर। तो अपोजिट आयन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 मोल सॉलिड के फॉर्म्स पर्याप्त आयनों से 1 मोल सॉलिड के निर्माण में निकलने वाली ऊष्मा को अपन ऊर्जा को क्या बोलते हैं, लैटिस कहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये स्टेटमेंट सही करेक्ट हो गया। The lattice energy will vary most when radius of anion is very small. जब anion की त्रिज्या बहुत कम हो तो जालक ऊर्जा में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। ये वाला स्टेटमेंट है अपना यहाँ पे करेक्ट पूछा। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जी सर। नेक्स्ट बात करें। lattice energy will vary least when radius of cation is large to minus. बिल्कुल सर। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस कम होता जाता है साइज का तो ये अपना आंसर आ जाएगा सेकंड थर्ड और फोर्थ। बिल्कुल सर। नेक्स्ट बात करें सर। जी सर। मैच द रिएक्शन कॉलम फर्स्ट विद द प्रोडक्ट इन कॉलम सेकंड। ये अच्छा क्वेश्चन है सर। देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है ये सर। अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिए सारे सारे कैल्शियम और सबके क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे, लेकिन कंडीशन अलग दे दी। अच्छा टेम्परेचर बेस्ड है। टेम्परेचर बेस्ड है। ओके। तो सबसे पहला तो ये आ जाएगा कि अगर आप बिलो 35 रखते हो तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है सर अपना CaOCl2। बिल्कुल सर। और अगर ये आप कोल्ड और 25 के आसपास रखते हैं सर तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और हाइपोक्लोराइड बनता है OCl। ओके सर। और अगर सर इसका टेम्परेचर अपन 35 से अबव कर देते हैं तो क्लोरेट और साथ बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड तो बनता ही बनता है CaClO3 क्लोरेट और बन जाता है। ओके। और अगर रेड हॉट गर्म करते हैं और यहाँ पे इस बार सर सिलेक्ट लाइम लिया गया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम है, क्लोराइड बन जाता है। ओके सर। अब सर अभी इनको मैच कर सकते हैं तो ये तो मैच हो जाएगा सर अपना R से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये मैच हो जाएगा अपना कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, याद आएगा सर। तो ये मैच हो गया S से। फिर अपना कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरेट बन रहा है तो ये मैच हो जाएगा Q से, और ये रिमेनिंग पार्ट है वो मैच हो गया सर अपना P से। ओके सर।
कॉलम मैच करवाने थे, डिजर्ट एप्लीकेशन। बिल्कुल सर, नेक्स्ट बात करते हैं। जी सर, व्हाट हैपन व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड आर हीटेड, क्या होगा जब निम्न यौगिकों को गर्म किया जाता है? तो सर ये तो अपना हमेशा सेकंड के साथ रहता है, ये तो बिल्कुल घर का साथ तो देता ही नहीं, तो ये किसी टूट जाए लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 ब्रेक हो जाएगा। जबकि अभी अपन ने बात की थी कि सेकंड ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट कभी टूटते नहीं है, अगर इसको ज्यादा अपन करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे, ब्रेक नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे मिट जाएंगे, पर CO2 को अलग नहीं करेंगे, मतलब साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, सात जन्मों का साथ निभाना है। लिथियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा और रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलेगी और साथ में O2 भी निकलेगी। बिल्कुल सर, रिएक्शंस में बैलेंस यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे करें तो सर ये नाइट्रेट से नाइट्राइट बना देगा और O2 गैस निकलेगी। अपना आंसर हो गया यहाँ पर। जी बिल्कुल सर, तो आज के लिए अपने 25 क्वेश्चन और देखे हैं। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये जरूर मैं आपको कहूंगा कि NCERT से इसका रीडिंग लगाएं। बिल्कुल सर, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके, थैंक यू।